तमाम सरपरस्त हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सभी जानते हैं कि बच्चों को कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है और कहानी से वो लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। अगर हम कहानी सुनाते वक्त बच्चों को कहानी में मौजूद किरदारों की आवाज़ों की हूबहू नकाली करके सुनाएं, मसलन जानवरों की आवाज़, परिंदों की आवाज़ की मिमिक्री, सवारियों की आवाज़ें, तो कहानी की जानिब तलबा की रगबत बढ़ जाती है और हमारी कहानी भी मौसर बन जाती है। इसी सिलसिले का दूसरा हिस्सा तलबा को मौजू और मुनासिब अंदाज में अपना तारुफ पेश करते आना चाहिए। अपना नाम, पता और पसंद, इस मौजू पर मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करके अपना तारुफ मौसर अंदाज में पेश करना भी एक फन है। इसी तरह जब हम किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हमें मुतासिर अंदाज में मुलाकात के आदाब निभाते आना चाहिए। लिहाजा आज हम जमात अव्वल खेले करे सीखे इस मजमून के सबक नंबर 6 ड्रामा के ज़िम्नी मौजू नक्काली, अपना तारुफ, आदाब मुलाकात और मुकालमा। इस मौजू के तहत बहुत कुछ नया और खुद करके सीखने जा रहे हैं। इस सबक की तदरीस में आप तमाम का दिली खैर मकदम। उम्मीद कि इस सबक की तदरीस से तलबा के बर्ताव में मजबूत तब्दीलियां रुनुमा होगी इंशाअल्लाह।